हेलो दोस्तों, व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो? और फिर से मैं लेकर आया हूँ पोकेमोन का एक नया एपिसोड। और आज के एपिसोड का नाम है टॉप 10 लेजेंडरी पोकेमोन। तो नंबर 10, तो दोस्तों नंबर 10 पर है म्यूटू। म्यूटू एक साइटिक और गुस्से वाला पोकेमोन है और उनका दोनों मेगा इवोल्यूशन तो बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। और मैंने इसलिए इस लिस्ट में इसको नंबर 10 पर रखा क्योंकि ये म्यू का क्लोन से बना है, एक ओरिजिनल पोकेमोन नहीं है, इसलिए मैं 10 पर रखा। नंबर 9, होपा। दोस्तों होपा एक मैजिशियन और साइकिक पोकेमोन है और जब इवॉल्व होता है तो अब होपा बंड में बदल जाता है। तो अब दोस्तों मैं इसके ताकत क्या कहूँ, मैं ये पोकेमोन तो सभी पोकेमोन का बाप लगता है तभी तक, और इसे हराना बहुत ही मुश्किल है, तब इसीलिए मैंने इसे नंबर 9 पर रखा था। तो दोस्तों 8वें नंबर पर आता है क्यूरिन, जो कि आइस टाइप और फ्लाइंग टाइप यानी कि ड्रैगन टाइप पोकेमोन है। और इनका दोनों रिवोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, एक है ब्लैक और एक है व्हाइट। जब ये व्हाइट बनते हैं तब यूरथेन, और ब्लैक जब बनता है तो फिर ल्यूथेन बन जाता है। तो दोस्तों नंबर 7 पर है ग्राउडोन। ग्राउडोन एक बढ़िया लेजेंडरी वाला पोकेमोन है। और दोस्तों ग्राउडोन का सबसे खास बात यही कि ये जहाँ भी जाता है वहाँ पर सनलाइट आता है और हमेशा भी रहता है, और ये एक ग्राउंड टाइप पोकेमोन है। तो दोस्तों नंबर 6 पे आता है हमारा जियाटोस, जो कि इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन का भगवान माना जाता है। ये एक इलेक्ट्रिक एंड फ्लाइंग टाइप पोकेमोन है और ये समंदर वाला लेजेंडरी पोकेमोन पे बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ सकता है। अगर लेजेंडरी पोकेमोन से क्यूटनेस का बात किया जाते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आते हैं आर्टिकुलो। आर्टिकुलो एक फ्लाइंग एंड आइस टाइप पोकेमोन है और ये ड्रैगन टाइप यानी कि ड्रैगन टाइप लेजेंडरी पोकेमोन पे बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ सकता है। तो दोस्तों नंबर 4 पर है हो, जो एक फ्लाइंग और फायर टाइप पोकेमोन है। एक बहुत ही अच्छा लेजेंडरी पोकेमोन है, कहा जाता है ऑरेंज लीग में जितना भी पोकेमोन है उन सभी का अटैक इसने ही सिखाया था। और आगे जाकर चलिए देखते हैं ये बात सच है क्या गलत, मुझे तो नहीं पता दोस्तों। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट में जरूर बताना। तो दोस्तों नंबर 3 पे आता है लुबिया। लुबिया एक बहुत ही अच्छा वाटर टाइप लेजेंडरी पोकेमोन है और लुबिया को समुद्री का सम्राट भी माना जाता है, क्योंकि वो इसलिए है क्योंकि लुबिया ने 3 देवता पोकेमोन यानी कि आर्टिकुलो, जैप्टोस और मोल्टेस का गुस्सा को ठंडा किया था। तो दोस्तों नंबर 2 पे आते हैं सभी का रिकूजा। रिकूजा एक ऐसा पोकेमोन और ऐसा लेजेंडरी पोकेमोन है जो कि मौसम को बदल सकता है। दोस्तों किसी भी पोकेमोन के पास ऐसा खूबिया नहीं है सिर्फ इन पोकेमोन को छोड़कर, और ये एक फ्लाइंग टाइप पोकेमोन है। तो दोस्तों नंबर 1 पर है सभी का आर्चर, जो कि पोकेमोन का गॉड माना जाता है। कहते हैं दुनिया में जितने भी पोकेमोन हैं वो आर्सियस ने बनाया, और आर्सियस एक बहुत ही अच्छा लेजेंडी पोकेमोन भी है। और दोस्तों आर्सियस आज तक किसी भी कोई भी पोकेमोन से नहीं हारा। और दोस्तों आज की वीडियो होती है यहीं पर ख़त्म, तब तक के लिए चलते हैं, गुड बाय। और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक से कमेंट कर देना, और साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ कमेंट पे जरूर बताना कौन सा लेजेंडरी पोकेमोन सबसे ज़्यादा ताकतवर है।